फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चटोरे टीलो किचन में। आज मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ अनियन के पकोड़े। और तो अपने किचन में जब मैं ये बना रही हूँ तो आप सबसे शेयर करना भी बनता था, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रेसिपी अनियन के पकोड़े की। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं क्या क्या चाहिए हमें। हमें चाहिए अनियन चॉप्ड। क्वान्टिटी आप मैं ऐसे नहीं बताऊँगी क्योंकि आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कितने लोगों के लिए बनाना है और कितना बनाना है, तो इसमें क्वांटिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अनियन चॉप चाहिए हमें, बेसन, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, अजवाइन, सॉल्ट, थोड़ी सी बॉइल्ड क्रश पोटैटो, हींग। तो चलिए हम देखते हैं हमें कैसे बनाना है। तो हम इसमें ऐड करेंगे पहले बेसन। तो चलिए इसमें ऐड करते हैं बेसन। ऐड सम हल्दी, हाफ स्पून अपीस रेड चिली पाउडर एज पर योर टेस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्रीन चिली नहीं ऐड कर रही हूँ तो आप रेड चिली पाउडर ऐड करिए। ज़ीरा, अजवाइन, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, क्रस्ट बॉइल्ड पोटैटो, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग। तो चलिए हींग ऐड करते हैं, पिंच ऑफ हींग। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए पहले तो हम अनियन के साथ ही मिक्स करने की कोशिश करेंगे कि अनियन में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है तो हम वाटर ऐड करेंगे, अदरवाइज सिर्फ हम अनियन के साथ में से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बैटर बिल्कुल रेडी है, मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आलू इसलिए ऐड किया है ताकि उसे क्रंच अच्छा आए, और प्याज के पकौड़े में प्याज ज़्यादा होना चाहिए, बेसन कम। तो ऐसे आप फ्राई करिए, प्याज के पकौड़े बहुत क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो चलिए हम इसे फ्राई करते हैं ऑयल में। रिफाइंड ऑयल मैंने गरम कर लिया है तो मैं उसमें डालती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पकौड़े डाल दिए हैं ऑयल में। अब ये जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसे बाहर निकालेंगे। तो चलिए हम इसका वेट करते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक का। जी फ्रेंड्स, ये पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बस अब हम इसे निकालेंगे। ऐसे मैंने निकाल लिया है, अब मैं इसी तरह और भी निकाल लूँगी फिर आपको सर्व करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे पकौड़े बन गए हैं, मैंने निकाल लिया है। अब इन्हीं पकौड़े के साथ में मैं बनाऊँगी सिंधी कढ़ी भी। तो पहले आप पकौड़े इन्जॉय करिए, फिर मेरी सिंधी कढ़ी की रेसिपी आप नेक्स्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए आप इन्जॉय करिए पकौड़े, मैं आपको सर्व करती हूँ विथ टमाटो चटनी। फ्रेंड्स, तो आप इन्जॉय करिए ये अनियन पकौड़ा विथ टमाटो चटनी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चटोरी तीनों को। और कोई कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट दीजिए एंड फीडबैक दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।